जय माता दी। दोस्तों, आने वाली करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी करवा चौथ जो है वो 13 अक्टूबर को पूरी विधि विधान से सभी सुहागन स्त्रियाँ पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर निर्जला व्रत करती हैं और रात में अपने पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत का पारण करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि मौसम खराब हो जाता है, बादल आ जाता है, बारिश हो जाती है, ऐसे में चंद्रदेव के दर्शन जो हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो भयभीत हो जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे में हम कैसे अर्घ दें, कैसे पति की पूजा करें, कैसे चंद्रदेव की पूजा करें और कैसे व्रत का पारण करें। साथ ही साथ अगर हम व्रत के दौरान चंद्रदेव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या जो हमारा व्रत है वो खंडित हो जाता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपने करवा चौथ का व्रत रखा है, किसी कारणवश आपको चंद्रदेव के दर्शन जो है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जब भी आप पूजा करें, मान लीजिए मौसम खराब है और आपको ऐसा लग रहा है कि चंद्रदेव के दर्शन जो है वो नहीं हो पाएंगे आपके, तो आप जहाँ पे भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आपको चावल के चंद्रदेव जो हैं वो बनाने चाहिए। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहीं बगल में ही आपको चावल के चंद्रदेव जो हैं वो बना लेने चाहिए और उनको देख के ही अर्घ दे देना चाहिए, उनकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर देनी चाहिए। उसके बाद अपने पति की पूजा जो है वो करके व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आपके घर में सबके घर में भोलेनाथ की फ़ोटो होगी तो आप देखा होगा आप सबने कि भोलेनाथ के सिर के ऊपर चंद्रमा जो है वो विराजमान रहती हैं, तो आप उन चंद्रमा को देख के उन अर्घ जो है वो दे के और पूजा अर्चना करके व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी मान लीजिए कि आपके रिश्तेदार हैं, मान लीजिए कि आप यूपी में रह रहे हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं वो MP में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे हैं या अदर कहीं भी स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ पर चंद्रमा निकला हुआ है, आपके यहाँ नहीं निकला है, वहाँ का मौसम अच्छा है, तो आप वहाँ पर भी वीडियो कॉल करके चंद्रदेव के दर्शन जो हैं वो कर सकती हैं। चौथा नियम ये है कि आप कोई भी फ़ोटो, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो वहाँ से आप चंद्रदेव की कोई भी फ़ोटो निकालिए और उसको देख के आप अर्घ पूजा इत्यादि करके आप पारण जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपके अगर मैं आखिरी पांचवा नियम बताऊं तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई आपके दूर भी नहीं रहता है और आप मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन भी नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ, और मान लीजिए कोई भी सुविधा जो है वो आपके पास नहीं है तो आप चंद्रदेव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके यहाँ चंद्रदेव निकलने का जो समय है वो है 8:30 बजे। एक मैं उदाहरण तौर पे बता रही हूँ, 8:30 बजे का अगर टाइम है और आपके यहाँ बादल आ गया या बारिश हो रही है तो आपको चंद्रदेव के दर्शन जो है वो करने को नहीं मिल रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि वो निकलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको आधा घंटा बाद अर्घ देना है, चंद्रदेव की पूजा करना है, जो समय आपके लिखा है कि इतने टाइम पर चंद्रदेव के दर्शन होंगे उससे आधा घंटा बाद आप अर्घ दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पति की पूजा कर सकते हैं और जो व्रत है उसका पारण कर सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप बगैर चांद निकले हुए भी अपना जो व्रत है वो पूर्ण कर सकती हैं। कोई भी व्रत खंडित नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप व्रत भी कर पाएंगी, पूजा भी कर पाएंगी और जो आपका व्रत है वो भी पूर्ण माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और सबके यहाँ 13 तारीख को जो चांद है वो ज़रूर निकले कि पूरा दिन भूखी प्यासी सभी माताएं बहनें रहती हैं, उसके बाद चंद्रदेव के दर्शन करती हैं तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं। चंद्रदेव से आवाहन कीजिए, चंद्रदेव को विनम्र निवेदन कीजिए कि वो आपको दिखें और आपका जो व्रत है वो पूर्ण करवाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों,